दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के करंट रिक्रूटमेंट के बारे में। दोस्तों शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने मेन फ्लीट का रिक्रूटमेंट जो है वो रिलीज़ कर दिया है क्रू के लिए। तो आज की इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे आपको इस कंपनी में अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से वैसल के लिए। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपकी ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले गूगल पे जाके सर्च करना है SCI सर्च करने के बाद आपको जो दूसरा लिंक मिलेगा उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। सिंपली आप इस वेबसाइट से इस कंपनी के बारे में सारी डिटेल ले सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपको करियर पे जाके क्लिक करना है। करियर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। सिंपली इसको कैंसिल करना है यहाँ से और आपको सिंपली फ्लीट पर्सन पे जाके क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने करंट रिक्रूटमेंट का पेज वो ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है जनरल रोस्टर रेटिंग फॉर मेन फ्लीट। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरी डिटेल किन कौन से रैंक के लिए वैकेंसी है, AB के लिए है, OS विद वॉचकीपिंग के लिए, ऑयलर्स के लिए है, वाइपर विद वॉचकीपिंग, कुक के लिए है, जनरल स्टीवर्ड ट्रेनिंग कुक और सभी वैसल के लिए डिटेल में बताया गया है। LPG के लिए है, LNG के लिए है, VLCC टैंकर वैसल, रिसर्च वैसल, वर्ल्ड कैरियर, कंटेनर, MSV, OSV, मतलब हर टाइप के वैसल के लिए वैकेंसी है। तो जो जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं जिनके पास वॉच कीपिंग COP है तो वो इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं और एज अ ट्रेनिंग कुक जिन्होंने अभी CMC करंट किया है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, सिंपली आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करने से पहले दोस्तों इस फॉर्म को फिल करने का जो डेट है वो 13 दिसंबर है, तो आपको 13 दिसंबर से पहले इस फॉर्म को फिल करना है। इसके बाद दोस्तों आपको सिंपली एडवर्टाइजमेंट पे जाके क्लिक करना है। कैसे इस फॉर्म को फिल करना सारा इसमें बता दिया जाएगा। तो सिंपली इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो इस इंटरफेस से आपको ये जो पेज है सिंगल ओनली पेज नंबर 1 ही आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट करके इसको मैनुअली फिल करना है। जो भी रिक्वायरमेंट इसमें मांगा गया आपका नेम डेट, जो भी आपका डॉक्यूमेंट रिक्वायर इसमें मांगा गया वो आपको फिल करना है और उसको साइन करके अपलोड करना है। बाकी इसमें सारा बताया गया कि आपको कितना GRT का एक्सपीरियंस चाहिए, कौन से वैसल का एक्सपीरियंस चाहिए इस वैसल के अप्लाई करने के लिए, सारा इसमें बताया गया है। कितना एक्सपीरियंस रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लिए कंपलसरी है, कितना एक्सपीरियंस चाहिए आपको, कौन से वैसल का एक्सपीरियंस चाहिए। साथ में आपको ये भी बताया गया कि कितने मंथ का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, कितना क्या रहेगा, सारे डिटेल आपको इस फॉर्म में मिल जाएगा। जैसे जैसे आप इस फॉर्म को फिल करोगे, आप इस फॉर्म को पढ़ोगे, सारे डिटेल्स आपको इस बीज में मिल जाएगी। ऑफशोर वैसल के लिए 90 डेज है, ट्रेनिंग कुक और ऑयल टैंकर के लिए 6 मंथ का है। कॉन्ट्रैक्ट भी आपको डिटेल में बताया गया क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। तो सिंपली दोस्तों इस फॉर्म को फिल करना आपको आना चाहिए। ओनली फर्स्ट पेज आपको डाउनलोड करके मैनुअली फिल करना है और उसको बाद में अपलोड करना है PDF फाइल में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपको सिंपली पेज पे आने के बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो सारे डिटेल है आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल फील्ड मार्क स्टार आर मैंडेटरी। तो आपके लिए जो भी स्टार वाले कॉलम हो आपके लिए मैंडेटरी है, जैसे आपका नेम, मोबाइल नंबर, लास्ट नेम, ईमेल, होम टाउन, एड्रेस, रैंक, पासपोर्ट, CDC एक्सपायरी डेट, पासपोर्ट, इंडोर्स, लास्ट साइन ऑफ, टाइप ऑफ वेसल्स, लास्ट वेसल विच कंपनीज, सारे डिटेल आपको मेंशन करनी है। बाद में आपको यहाँ पे अपना जो भी डॉक्यूमेंट मांगा है, द डॉक्यूमेंट फाइल शुड नॉट एक्सीड 3 MB, तो इससे कम का आपका फाइल हो तो चलेगा, अदर एबव रहोगा तो अपलोड नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको आपका CDC का सभी स्टैंप, जो भी आपका फर्स्ट और लास्ट पेज का स्टिकर रहेगा और सारी स्टैंप आपकी लेटेस्ट 106 स्टैंप रहेगी, आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। इसके बाद आपका पासपोर्ट भी सेम प्रोसीजर, आपको जो भी लेटेस्ट इमिग्रेशन स्टैंप रहेगा, एंट्री रहेगा, वो आपको अपलोड करना है। इसके बाद आपको NOX फॉर्म जो आपने पीछे डाउनलोड करके मैनुअली फिल किया वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद आपको अपने सर्टिफिकेट जो भी है वो आपको मैनुअली आप सर्टिफिकेट का PDF बना के अपलोड करना है। इसके बाद सबमिट पे जाके क्लिक करना है। तो इस तरह से आप शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो और ये वैकेंसी जो है वो अच्छी हैं। 154 वैकेंसीज है, सभी के लिए अच्छी वैकेंसी है। आप इस कंपनी में आराम से अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस कंपनी में आपको सारी फैसिलिटी मिलती है, खाना पीना भी अच्छा है, खाने रहने के लिए भी अच्छा है, सैलरी भी ऑलमोस्ट अच्छी है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।